हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम वीडियो में ट्राबेस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। ट्राबेस टैबलेट का मुख्यतः उपयोग दर्द से राहत पाने के लिए किया जाता है। आइए इस टैबलेट के बारे में और अधिक विस्तार से जानते हैं। ये टैबलेट कैसे काम करती है, क्या इस्तेमाल होती है, उस टैबलेट के क्या बेनिफिट है, क्या साइड इफेक्ट है, उस टैबलेट से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। लुपिन फार्मा कंपनी की ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप आपको मेडिकल स्टोर पर 105 रुपए में मिल जाएंगी। दोस्तों, यह टैबलेट खरीदने के लिए आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत होती है। यह डॉक्टर के पर्ची पर मिलने वाली टैबलेट है। बात करते हैं इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में। ट्राबेस्ट टैबलेट में एसिटामिनोफेन IP 325 mg, ट्रामाट्रोल हाइड्रोक्लोराइड IP 37.5 mg यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद एसिटामिनोफेन यह ड्रग बॉडी में उन केमिकल मैसेंजर को रोकता है जो दर्द और सूजन का कारण बनते हैं। ट्रामाडोल यह ड्रग दर्द के संकेतों को ब्रेन तक जाने से रोकता है जिससे दर्द कम महसूस होता है। बात करते हैं इस टैबलेट के यूजेस के बारे में। डॉक्टर इसे किन किन समस्याओं में इस्तेमाल करते हैं। इस टैबलेट का उपयोग तीव्र दर्द की समस्या दूर करने के लिए डॉक्टर यूज करते हैं। इसे बदन दर्द, कमर में दर्द, हड्डियों में होने वाला दर्द, मांसपेशियों का दर्द जिसे हम मस्कुलर पेन कहते हैं, इन समस्याओं को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इसे जोड़ों में होने वाली दर्द की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर यूज करते हैं। इस टैबलेट का उपयोग आर्थराइटिस की समस्या दूर करने के लिए भी यूज करते हैं। आर्थराइटिस को हम गठिया भी कहते हैं। यह एक प्रकार की जोड़ों की सूजन होती है। यह एक या एक से अधिक जोड़ों को भी प्रभावित कर सकती है। गठिया 65 वर्ष से अधिक उम्र वालों में देखा जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं। इसे ऑपरेशन के बाद होने वाले दर्द की समस्या दूर करने के लिए भी यूज करते हैं। इस टैबलेट का अन्य उपयोग जानने के लिए आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। आपके डॉक्टर उनके अनुभव से इस टैबलेट का उपयोग अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बात करते इस टैबलेट के डोसेस के बारे में। आप अपनी समस्या बताकर उस टैबलेट का डोज अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से पूछ ले। याद रखें दोस्तों, उस टैबलेट का डोज आपकी समस्या पर निर्धारित रहता है। यदि आपकी समस्या ज्यादा हो तो इस टैबलेट का डोज भी ज्यादा होगा, यदि आपकी समस्या कम हो तो इस टैबलेट का डोज भी कम होगा। इसलिए आप अपनी समस्या अपने डॉक्टर को बताकर इस टैबलेट का डोज उनसे निश्चित कर ले। इसे अपने मन से घर पर न ले। साइड इफेक्ट इस टैबलेट के इस्तेमाल से होने वाले दुष्परिणाम। यदि आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है तो आप इस टैबलेट का यूज करना बंद कर दे और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस टैबलेट के इस्तेमाल से आपको चिंता, चक्कर आना, ऐठन, अपचन, सिर दर्द, मितली या उल्टी ये कुछ साइड इफेक्ट हो सकते हैं। प्रिकॉशन, इस टैबलेट को यूज करते समय सावधानियां। अगर आपको इस टैबलेट के इस्तेमाल से कोई साइड इफेक्ट होता है या फिर आपको इस टैबलेट में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आप इस टैबलेट का यूज न करें। अगर आप पहले से कोई अन्य टैबलेट मेडिसिन ले रहे हो तो उसकी सूचना अपने डॉक्टर को अवश्य दे। इस वजह से इस टैबलेट का ड्रग इंट्रैक्शन या ओवरडोज होने की संभावना कम होती है। अगर आपको लीवर या फिर किडनी से जुड़ी कोई अन्य समस्या है तो उसकी सूचना भी अपने डॉक्टर को अवश्य दे। गर्भवती महिलाएं ये टैबलेट यूज करने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह अवश्य ले। इस टैबलेट को लेने के बाद ड्राइविंग न करें। इस टैबलेट के इस्तेमाल के पहले या इस्तेमाल के बाद अल्कोहल का प्रयोग न करें, इससे आपकी स्थिति बिगड़ सकती है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको हमेशा मेडिसिन रोज मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।